मुझे कल बहुत अफसोस हुआ उस बात को लेकर के, केंद्रीय मंत्री इतनी बड़ी बात के समय, इतने संकट के समय संसद का सदन छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में इस दुखी घड़ी में हमारी मदद करने के लिए आए। लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग रहा हमारे लिए, जिनके पास पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी वॉज नॉट देयर, ईएनसी पीडब्ल्यू वॉज नॉट देयर, जो भी डिस्कशन हो रही थी चीफ मिनिस्टर बार बार फोन कर रहे थे, फोन करके उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मित्र, छोटी बात नहीं है। तो हमारा बहुत सारा काम ऐसा भी है, बहुत सारी सड़कें ऐसी है, बहुत सारे ब्रिजेज ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली जो नेशनल हाईवे से बिलोंग नहीं करते लेकिन उसके बावजूद डैमेज हुए। उन्होंने कहा 1 किलोमीटर की दायरा, जिसमें हमारा अगर हम यहीं पर देखेंगे कुल्लू में ब्रिज एक डैमेज हुआ वो भी उसमें कवर हो जाएगा, हमारा आउट का ब्रिज उसमें कवर हो जाएगा, हमारा पंडोह का जो ब्रिज जो 100 साल पुराना ब्रिज था वो डैमेज होकर के चला गया वो भी उसमें होगा, कून कतर का पुल जो 95 में बन करके तैयार हुआ था ब्यास नदी के ऊपर वो भी बन करके उसका खर्चा भी वो बहन करेंगे, मंडी में और भी पुल बीच में डैमेज हुए हैं। तो ऐसे पूरे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से एक बहुत बड़ी राहत उस दृष्टि से हुई है। और उसके अलावा 400 करोड़ रुपए CRF के तहत उन्होंने हिमाचल प्रदेश को देने की जो घोषणा की वो एक ऐतिहासिक है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा इस बार आई है बरसात के इस मौसम में, उससे बहुत बड़ी क्षति हुई है जानमाल को, इस बात से आप सब परिचित हैं। और अपेक्षाकृत आज से पहले हमने मानसून के दौरान, बरसात के दौरान हमेशा नुकसान होते तो देखा, लेकिन अब की बार का ये नुकसान तुलना में बहुत ज्यादा है। पूरे प्रदेश भर में ये नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश के लिए राहत के तौर पर और खास तौर से जब रेस्क्यू ऑपरेशन था उस वक्त जिस प्रकार के सहयोग मदद की जरूरत थी उस मदद को दिलाने में उन्हें बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी मिला और केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलने के साथ मैंने उनको विस्तार से हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान की जानकारी भी दी। पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिला, PMO में भी बात हुई और रक्षा मंत्री जी से भी बात भी हुई, मुलाकात भी हुई और सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया मैंने, क्योंकि बार बार विपक्ष में होने की वजह से और केंद्र में हमारी सरकार होने की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि NDA की सरकार होने की वजह से विपक्ष बीच बीच में हमको तंज कसते रहे कि आपको केंद्र से जो मदद हिमाचल प्रदेश के लिए हो सकती है उसके लिए काम करना चाहिए, और बीच बीच में हमारा वो मार्गदर्शन भी करते रहे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, भले ही स्वयं अपने आप वो राजनीति से अपने आप को अलग नहीं रख पाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का बार बार और मंत्रियों का बार बार, कांग्रेस के नेताओं का बार बार कि कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, केंद्र ने कोई मदद नहीं की है, और बीच में ऐसे भी प्रस्ताव हमारे सामने आए जब
मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रियों ने कहा कि हम विपक्ष के नेताओं को अपने हेलीकॉप्टर में लेकर के दिल्ली ले चलेंगे, केंद्र से अगर मदद मिलेगी दिलाने में अगर हमारा। मैं 27 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, जिनके पास भूतल परिवहन का सारा महकमा है, उनके साथ दिल्ली में मिला था। और मिला ही नहीं था, उनने सारे अधिकारियों को जो हिमाचल से संबंधित अधिकारी थे उनको सबको वहां पर बुला करके रखा था। और जैसे मीटिंग में हम जानकारी देने लगे तो जानकारी देने के साथ ही मैंने शुरुआत ही यहां से की कि मैं यहां आपको कुछ सूचना दे सकता हूं, जानकारी दे सकता हूं, लेकिन सही मायने में अगर उस नुकसान का जायजा लेना है तो बहुत अच्छा रहेगा अगर हिमाचल प्रदेश में आप आ करके देखें। और आ करके देखने की बात मैंने इसलिए की क्योंकि बहुत अंतर होता है, हमारी द्वारा कही हुई बात और अपनी आंखों से देखी हुई बात, उसमें अंतर बहुत होता है। और वो हमारी बैठक 5 मिनट में ही उन्होंने समाप्त कर दी, उन्होंने कहा कि ये बैठक हम उसके बाद सोच लेंगे, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश जल्दी आने का कार्यक्रम बनाता हूं। और उन्होंने हिमाचल प्रदेश का कार्यक्रम बनाया और पिछले कल यानी कि 1 अगस्त को 27 को मिला, मैं 27 जुलाई को मिला, 1 अगस्त को उन्होंने अपना कार्यक्रम कुल्लू मनाली का बनाया और हम दोनों दिल्ली से इकट्ठा होकर के आए। मुझे उनके कार्यालय से फोन आया कि मेरा कार्यक्रम अब फाइनल है, पहले 4 की सोच रहे थे लेकिन फिर बाद में कहा कि 1 तारीख को ही आऊँगा और आप साथ रहेंगे। मैं दिल्ली और कुल्लू में आने के पश्चात नितिन गडकरी जी ने जो घोषणाएं की उनका मैं स्वागत करता हूं। पहली बात तो उन्होंने एक बात कही कि सड़कों की मुरम्मत के लिए 2 तरह की चीजें हैं, एक तो नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे के साथ साथ में जो 4 लेन है ये हमारा जिम्मा है, जो भी डैमेजेस हुए हैं उन डैमेजेस को हम अपने आप उसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि उसका आकलन बन रहा है, उसका असेसमेंट, उसका एस्टिमेशन बनेगा। पहली प्राथमिकता उन्होंने ये कही कि पहले तो जीवन सामान्य परिस्थिति में जो हमारा वहां पर आ जाए चलने का उसको सुनिश्चित करेंगे, और उसके साथ साथ में और चीजों को लेकर के 4 लेन में जहां डैमेजेज इस तरह के हो गए हैं उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है उनको कुछ चीजों का निर्णय करना पड़ेगा, उसके बारे में उन्होंने कहा कि उस पर थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है लेकिन उसके बावजूद पहले तो यातायात हमारा प्रभावी ढंग से चालू हो सके उस बात को सुनिश्चित करना है, उसके लिए उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही आदेश दिए। और मैंने कहा कि नेशनल हाईवे 4 लेन के बारे में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो भी जितना भी खर्च होगा उस खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगा, उसमें दो राय नहीं। और उसके साथ एडिशन और की उन्होंने, और वो एडिशन और की कि नेशनल हाईवे 4 लेन के 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुल डैमेज हुए हैं उन पुलों का निर्माण भी, अगर कोई रिपेयर करना है तो उसका रिपेयर भी हम केंद्र के खर्चे पर करेंगे, मैं उसके लिए पैसे का प्रावधान करूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी। आमतौर पर ऐसे में
जिम्मेवारी नेशनल हाईवे और फोर लेन के बारे में ही वो करते तो हमारा बहुत सारा काम ऐसा भी है, बहुत सारी सड़कें ऐसी, बहुत सारे ब्रिजेज ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली जो नेशनल हाईवे से बिलोंग नहीं करते लेकिन उसके बावजूद डैमेज हुए। उनका 1 किलोमीटर की दायरा है जिसमें हमारा, अगर हम यहीं पर देखेंगे कुल्लू में ब्रिज एक डैमेज हुआ वो भी उसमें कवर हो जाएगा, हमारा आउट का ब्रिज उसमें कवर हो जाएगा, हमारा पंडोह का जो ब्रिज जो 100 साल पुराना ब्रिज था वो डैमेज होकर के चला गया वो भी उसमें होगा, कून कतर का पुल जो 95 में बन करके तैयार हुआ था ब्यास नदी के ऊपर वो भी बन करके उसका खर्चा भी वो बहन करेंगे, मंडी में और भी पुल बीच में डैमेज हुए हैं, तो ऐसे पूरे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से एक बहुत बड़ी राहत उस दृष्टि से हुई है। और उसके अलावा 400 करोड़ रुपए CRF के तहत उनने हिमाचल प्रदेश को देने की जो घोषणा की वो एक ऐतिहासिक है। और प्रदेश सरकार को ये भी कहा कि आप काम शुरू करें, इस पैसे की आप चिंता ना करें, तुरंत प्रभाव से इस काम को शुरू करने की आप तैयारी करें ताकि हम जल्दी से जल्दी यातायात को हिमाचल प्रदेश में सामान्य बना सकें। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि सेब का सीजन है और सेब के सीजन में ऐसे वक्त में बिल्कुल हमको तुरंत प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जो और जो छोटे रोड्स हैं उनको भी बहाल करना चाहिए युद्ध स्तर पर ताकि सेब की फसल मार्केट तक पहुंच सके, क्योंकि सेब की फसल को हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और नुकसान उस दृष्टि से हुआ कुछ जगह तो बगीचे ही चले गए हैं और कुछ जगह बगीचे चलने के बाद बगीचा तो है लेकिन सेब मार्केट तक पहुंचाना कठिन हो गया क्योंकि रास्ते सारे बंद हो गए। मैं जुब्बल कोटखाई और रोहडू के बहुत सारे इलाके में पहुंचा वहां पर और पैदल भी गया कुछ जगह वहां पर, तो खुद भी इस बात को देख करके आया। तो उस सारी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए जो युद्ध स्तर पर जो काम होने हैं उनको शुरू करने के लिए कहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार, क्योंकि अभी तक जो रेस्टोरेशन का जो काम रोड्स का वो जो गति पकड़नी चाहिए थी वो गति अभी तक नहीं है, उसको तेज करने की आवश्यकता है। और इसके कारण आपने देखा होगा कि सेब के सीजन में अगर सड़क प्रॉपर जल्दी नहीं बन पाती है, चलने लायक नहीं बन पाती है, तो बागवानों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, उनका सेब नष्ट हो जाएगा। और हाल ही में आप लोगों ने इस प्रकार के वीडियो देखे भी, लोगों ने आहत हो करके परेशानी में सेब की फसल तैयार होने के बावजूद मार्केट में जब नहीं पहुंचा पाए उस सेब को नदी में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया, ये भी आपने देखा, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। नौजवानों ने खुद अपने आप पत्रकार वार्ता करके स्पष्ट कर दिया है, लेकिन बड़ा विचित्र लगता है कि उनको थाने में बुला करके उनको पूछा गया कि तुम बयान दीजिए तुमने फलाने आदमी के कहने पर ये किया, किसी के कहने पर नहीं। कि उन्होंने कहा कि हमारा सेब था, हम इंतजार करते रहे, सड़क नहीं खुली, आखिरकार सेब सड़ने लगा, हमने नाले में फेंक दिया। तो ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में और ना बने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार का ये जिम्मा है कि वो जल्दी से जल्दी सड़कों को खोलने का काम करें। मुझे कल बहुत अफसोस हुआ उस बात को लेकर के, केंद्रीय मंत्री इतनी बड़ी बाढ़ के समय, इतने संकट के समय संसद का सदन छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में इस दुखी घड़ी में हमारी मदद करने के लिए आए। लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग रहा हमारे लिए, जिनके पास PWD डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी वॉज नॉट देयर, ENC PWD वॉज नॉट देयर, जो भी डिस्कशन हो रही थी चीफ मिनिस्टर बार बार फोन कर रहे थे, फोन करके उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मित्र, छोटी बात नहीं है। जब हम डिस्कशन किए जा रहे थे तो हर दूसरे मिनट फोन करना पड़ रहा था उनको, वो अवेलेबल क्यों नहीं थे? इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, PWD डिपार्टमेंट का
नुकसान जिस कदर हुआ है और उसमें नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में यहाँ पर सारा कामकाज छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में शिमला में कुल्लू मनाली में पहुँचे और उसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी वहाँ पर नहीं है, उसका संज्ञान लेना चाहिए। ईएनसी पीडब्ल्यूडी वाज नॉट देयर, ये गंभीर विषय है। ये रूटीन का ऐसा नहीं था कि भाई कि रूटीन का प्रवास है। वैसे तो होता है कि जब रूटीन का प्रवास भी केंद्रीय मंत्री का होता है और नितिन गडकरी उनका उनका स्टेचर आप जानते हैं देश में क्या है, कम से कम इस बात का तो एहसास होना चाहिए जब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं सेक्रेटरी पीडब्ल्यू स्टेट और ईएनसी, तो उनको चाहे स्टेट के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो वहां पर भले ही ना हो लेकिन उनको वहां पर रहना पड़ता प्रोटोकॉल के तहत भी, लेकिन नहीं थे। मैंने पूछा भी, बात गोलमोल कर दी गई। तो ऐसी चीजों को लेकर के ये चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से सरकार की वर्किंग है बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है।